हेलो, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस का एक एक्साइटिंग एपिसोड। और इस एपिसोड में हम देखेंगे अलग अलग सुपर हीरोज के बीच में हुई बैटल्स को। ये बैटल्स अपनी दुनिया बचाने के लिए या फिर किसी और के लिए नहीं, बल्कि एक एल्डर बीइंग जो कि ये कॉन्टेस्ट करवाता है और उन सभी लोगों को अपनी इस कॉन्टेस्ट में फोर्सफुली पार्टिसिपेट करने को कहता है। तो आप इस सीरीज में देखेंगे कि वो सुपर हीरोज कौन कौन है और उन सुपर हीरोज में कौन कौन जीतने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं एक आदमी को जो कि अपना नाम सुनकर बौखला कर जंप करता है और उस आदमी की तरफ देखते हुए अपनी गन निकालने की कोशिश करता है। और वो सोच रहा था, मेरे पास इससे पहले गन्स हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है। मेरा नाम जो कि नाइजल था वो अब नेल है, ये मेरा नया नाम है और इससे पहले लोग मुझे इस नाम से नहीं जानते थे ना ही मेरे इस काम से। और वो अपनी एक साथी से बात करके वहां से जा रहा था, तभी कोई उसे देखते हुए कहता है, आउटलॉ तुम्हें चुन लिया जाता है। यहाँ पर वो आदमी अपनी कैट के साथ कहानियां पढ़ रहा था लेकिन उसे अंदाजा हो चुका था कि उसका कोई पीछा कर रहा है और इस वजह से वो अपने कबर्ड की तरफ बढ़ता है और अपनी कॉस्ट्यूम को बाहर निकालते हुए कहता है, मेरे पास अब गन्स नहीं है लेकिन पहले मैं गन्स के साथ ही था और पहले मैं था आउटलॉ ब्रिटिश पनिशर लेकिन अब नहीं, मैं अब वो बिल्कुल भी नहीं हूँ। और वो इतना कहकर अपनी कॉस्ट्यूम पहन के बाहर की तरफ निकलता है और उस आदमी को पुकारने लगता है जो कि उसका पीछा कर रहा था और वो उसे कहता है कि डरो मत, मेरे सामने आओ, बाकी मैं खुद देख लूंगा। और जब वो आदमी सामने आता है तब वो उसे चुन लेता है और एक क्रिस्टल में कैद कर लेता है और साथ ही कहता है कि तुम्हें बुलाया गया है। उसे पता नहीं था कि आखिर हो क्या रहा है। जब वो वहां पर मिला तो वो एक क्रिस्टल में था और उसे पता भी नहीं था कि उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन जैसे ही टाइम बीतता गया वो क्रिस्टल टूट गया और वो एक ऐसी जगह पर जा पहुंचा जो उसके लिए नई थी और उसके सामने डायनासोर्स थे जिससे उसे लगा कि वो जुरासिक पार्क में है। लेकिन तभी कोई पीछे से कहता है, लगता है तुम रास्ता भटक चुके हो। और तभी हम देखते हैं वेनम को जो कहता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं और मेरा दोस्त पीट तुम्हें अपने सही पते पर पहुंचा देंगे। और इतना कहकर वो उस पर गोलियां चलाने लगता है लेकिन वो गोलियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। तब वो कहता है, इन्हें मर्सी बुलेट्स कहते हैं। तब वेनम कहता है, मर्सी, तुम इसके लिए गलत जगह पर आ चुके हो। और सभी गमोरा अपनी तलवार वेनम के अंदर घुसाते हुए कहती है, मुझे लगता है इंसान तुम हमारे ही साइड में हो और अगर नहीं हो तो तुम्हारे लिए हमारे साइड में होना ही बेटर है। तो वो कहता है, साइड, मुझे पता भी नहीं यहाँ हो क्या रहा है, मैं क्रिस्टल से बाहर पर निकला हूँ। लेकिन तभी किसी की मदद की पुकार आती है और तब वो कहती है कि मैं इसे देख लूंगी, तुम मैन ऑफ आयरन की मदद करो। और वो दौड़कर उस आवाज की तरफ भागने लगता है और वहां पर इनविंसिबल आयरन मैन मदद मांग रहा था गमोरा से जो कि जॉय फिक्सिट से लड़ रहा था। और उसकी मदद करने के लिए पनिशर एक स्टन ग्रेनेड फेंकता है जिस वजह से जॉय फिक्सिट कुछ देर के लिए अंधा हो जाता है। तब आयरन मैन उसे हल्क कहकर पुकारता है। तब वो कहता है, नहीं, मैं हल्क नहीं, मेरा नाम जॉय फिक्सिट है। लेकिन तभी आयरन मैन कहता है, तो ठीक है जॉय, अगली बार मेरी यूनिबीम पहले डिसेबल कर देना। और वो अपनी यूनिबीम का यूज करके जॉय फिक्सिट को बेहोश कर देता है और वो बताता भी है कि अब उसकी हालत बहुत नाजुक है क्योंकि वो अपनी बैकअप बैटरीज पर चल रहा है और जब तक उसकी पावर फिर से नहीं आ जाती तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। और तभी उनके सामने एक और मुसीबत आ चुकी थी, हाइड्रा का एक डायनासोर। लेकिन उस डायनासोर को मारने के लिए गमोरा वहां पर आ चुकी थी जो कि डेडलीस्ट वुमन थी गैलेक्सी की। और जैसे ही वो उस डायनासोर को हराती है वैसे ही रेड टीम जीत जाती है और उन लोगों को समन कर लिया जाता है। और वो देखते हैं उन्हें समन करने वाला ग्रैंड मास्टर था जो कहता है, हम एक बार फिर से मिल गए टोनी स्टार, मैं हूँ कलेक्टर और ये मैन मेरा समनर है, मैंने ही उसे बुलाया है और यहीं पर तुम लोगों को फाइट भी करनी होगी और यहीं पर तुम लोगों को मरना होगा इस कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस में। यहाँ पर दूसरी तरफ एक और सुपर हीरो अपनी तलवार के साथ बात कर रही थी और एक आदमी उस सुपर हीरो को गालियां देते हुए कह रहा था कि तुम्हारी वजह से हमारी सिटी पर कर्ज आ चुका है, तुम क्राइम लॉर्ड हो या फिर कोई और, लेकिन तुम एक दिन मेरे हाथों से मारी जाओगी। और तब उसकी तलवार कहती है कि क्या हम इसे मार दे।
तब वो सुपर हीरो कहती है क्योंकि सुपर हीरोइन थी, मार्क सिर्फ अपना काम कर रहा है और भूलो मत कि वो हमारा फियांसे है। लेकिन फिर भी वो तलवार उसके खून की मांग कर रही थी और उसे झगड़ा करते हुए सुपर हीरो उसे बता ही रही थी, तुम मेरे हाथ में हो, इसका मतलब ये है कि मैंने तुम्हें वेल्ड किया है और मेरी मर्जी के खिलाफ तुम कुछ नहीं कर सकती। और तभी उस सुपर हीरो को बुला लिया जाता है जो कि थी क्लोटिन, और उसे बुलाने वाला वही रोबोट था जिसने ब्रिटिश पनिशर को वहां से टेलीपोर्ट कर लिया था। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ साथ अगर आपके पास इस वीडियो के अलावा और कोई सजेशन है तो भी मुझे कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।